हेलो गाइस, वेलकम टू माय पेज रुचिस किचन। आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मग केक, बट हम थोड़े डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे। मग केक की रेसिपी है, बट हम इसे बनाएंगे ग्लास केक। तो हम इस ग्लास में मग तो है मेरे पास, लुक एट दिस, ये देखिए इस टाइप का, बट इसमें आपको नज़र नहीं आएगा, सो दैट्स वाई मैं अपने इस ग्लास में बना रहे हैं। तो चलिए आइए, जिसके लिए हमें क्या क्या चाहिए मैं आपसे बात करती हूँ। जिसके लिए हमें चाहिए मेल्टेड बटर, और हमारा ये चॉकलेट का एसेंस है, और इसके अलावा हमारे पास है, हेल्दी वाला बना रहे हैं तो ये है हमारा रागी फ्लावर, ये है हमारा फ्लावर नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं, ये है हमारा बेकिंग पाउडर, ये है हमारी कैस्टर शुगर, और ये है हमारा कोको पाउडर। तो चलिए आइए बनाते हैं। सो गाइस, जिसके लिए मैंने लिया है एक बाउल। आपका बाउल बिल्कुल ड्राई और बिल्कुल सूखा होना चाहिए, मतलब ज़रा सा भी वाटर पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। जिसमें हम डाल रहे हैं 3 टेबलस्पून हम बटर डाल रहे हैं। ये हमारा जो है आपका, ये हमारा बटर है अमूल बटर। आप कोई सा भी बटर ले सकते हो, बट होना चाहिए मेल्टेड बटर। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारी आइसिंग शुगर, जो कि ऑलरेडी मैंने स्टेन करके ली हुई है। अच्छे से इसे मिक्स कर देना है, और इसके साथ साथ मैं डालूंगी इसके अंदर। सो अब इसके अंदर मैं यूज़ करूंगी हमारा वनीला पाउडर, जो हमारा नॉर्मल चॉकलेट पाउडर है वो भी यूज़ करेंगे, बट हमें इसमें वनीला पाउडर डाल रहे हैं क्योंकि हमने वनीला एसेंस नहीं डाला। सो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर अपना चॉकलेट एसेंस डालूंगी, जस्ट 1/2 TSP हम चॉकलेट एसेंस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप देखते होंगे हमने ये मेल्टेड बटर, शुगर और वनीला पाउडर और चॉकलेट एसेंस डाला है। अब हम यूज़ करेंगे इसके अंदर हमारा जो फ्लावर है वो ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून, और इसके अलावा हम साथ साथ में कोको पाउडर यूज़ करेंगे। ओके गाइस, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अब इसके बाद, अच्छे से मिक्स होने के बाद, मैं डालूंगी इसमें रागी फ्लावर, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा हेल्दी बना रहे हैं, तो 1.5 टेबल स्पून हमने रागी फ्लावर लिया है। अच्छे से मिक्स होने के बाद हमने डालना है बेकिंग पाउडर, ठीक है जी, बेकिंग सोडा नहीं डालना, हमने बेकिंग पाउडर डालना है, और अच्छे से ऐसे इसे मिक्स करना है। अब इसको थोड़ा सा स्मूथ टेक्सचर देने के लिए हम यूज़ करेंगे हमारा मिल्क, ये हमारा 2.5 टेबल स्पून है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और देखेंगे। सो लुक गाइस, हमारा ओनली 2 टेबल स्पून यूज़ हुआ है, और ये हमारा मिल्क बच गया है, और ये 1/2 टेबल स्पून बचा है। सो हमने अब इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो अब हम इसे अपने ग्लास में डालेंगे। आप देख सकते हैं ये मेरा ट्रांसपेरेंट ग्लास है, और ये मेरा कप है। आप चाहो तो कप में भी बना सकते हो, एक्चुअली में ये मग केक है, लेकिन मैं इसे ग्लास में बना रही हूँ, सो दैट ये ग्लास केक बनेगा, ग्लास के अंदर बनेगा। इसी सेम बैटर को मैं मग में डालूंगी तो ये मग केक बन जाएगा, बट ट्रांसपेरेंट नहीं है, आपको नहीं दिखा पाऊंगी, बट फिर भी मैं आपके सामने इसे मग में ही बनाऊंगी, ठीक है। सो हम ये पूरा का पूरा बैटर अच्छे से डाल देंगे। आप देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी किस तरीके की होनी चाहिए। तो ये हेल्दी केक है एक हिसाब से। आप इसमें, हमने जो फ्लावर यूज़ किया है, हमने वो व्हीट फ्लावर यूज़ किया है, आप चाहो तो टोटल मैदे से भी बना सकते हो। तो चलिए गाइस, हम इसे डाल देते हैं। सो ये देखिए इस तरीके से हम डालेंगे, और ये फूल कर आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा ही बनाया है अकॉर्डिंग टू ग्लास की लेंथ, हाइट जिस हिसाब से है, आप उस हिसाब से अपना मग चूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। अब हम इसके ऊपर इसकी ड्रेसिंग करने के लिए थोड़े से चोको चिप्स डालेंगे। हमारे पास है वाइट चोको चिप्स और डार्क चोको चिप्स, तो आपकी चॉइस है कि आप कोई से भी डाल सकते हैं। बच्चों को चोको चिप्स अच्छे लगते हैं, सो दैट्स वाई। अब ये देखिए अच्छे से इसे मिक्स किया, और अब हम इसे, लुक एट दिस, अब हम इसे अपने माइक्रोवेव के अंदर रखेंगे, और माइक्रोवेव में मैं 1 से 2 मिनट के अंदर इसे रेडी करके लाती हूँ। सो देखिए, सो गाइस देखिए हमारा केक रेडी हो चुका है,
और इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, लुक एट दिस। अगर ये ट्रांसपेरेंट में डाला होता तो आपको दिखाती पूरा का पूरा रेडी है। सो आप भी इसे इस तरीके से बना सकते हैं। क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन कि आपको कितना बड़ा मग यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना मग ले सकते हैं और रेसिपी उस हिसाब से। तो ये 1 कप के अकॉर्डिंग हमारी रेसिपी है। सो देखते रहिए और इसी तरीके से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे पेज को फॉलो, लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।